पूर्णिया नगर निगम में वर्ष 2018-19 का बजट पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। बजट सत्र में महापौर विभा देवी, उप महापौर संतोष कुमार यादव समेत प्रभारी नगर आयुक्त रमाशंकर भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कुछ पार्षदों ने बजट पर सवाल भी खड़ा किया और संतोषजनक जवाब मिलने के बाद बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दरमियान मेयर पति सह जदयू नेता जितेंद्र यादव एवं सदर विधायक विजय खेमका के प्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। आज पूर्णिया नगर निगम में वर्ष 2018-19 का बजट सत्र पारित किया गया है। इनमें हम लोग शहर के जो छोटी से लेकर बड़ी समस्या है उसके अनुरूप बजट सत्र तैयार किया गया है और सर्वसहमति से इसे पारित किया गया है। आज की बैठक में संभावित आय लगभग 289 करोड़ और संभावित व्यय 404 करोड़ है और इस बैठक में मुख्य रूप से हम लोग सफाई व्यवस्था इस पे फोकस किया गया है और सबके लिए आवास योजना और बिजली इसी भी सब पे सड़कें जो है मुख्य नाला और सड़क उनके लिए भी हम लोग चिट्ठी वहाँ नगर विकास मंत्री के यहाँ भेज चुके हैं। बिजली के लिए कुछ विशेष रखा गया इसमें क्या? बहुत मोहल्ला में बिजली का खंभा आता है, ये सब इसमें पोल और लाइट की लगाया जाएगा। मुख्य बजट में सफाई नाला, सहायक नाला और मुख्य नाला, सड़क, बिजली सभी चीज़ को प्राथमिकता के रूप में दिया गया। तो क्या उम्मीद करें कि जिन चीज़ों को आप लोग ने रखा है बजट में इस साल वर्ष पूरा हो जाएगा समय सीमा? जी 2018-19 में निश्चित रूप से हमारे जनता को सभी बिंदुओं पर जो मैंने बोला है महापौर महोदया के प्रयास से सबों को सभी सुविधा निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, आज का बजट हुआ, आप उसमें शामिल हुए, किन किन मुद्दा को उठाया आपने अपने वार्ड का? हम लोग अपने वार्ड के विकास के लिए रोड नाला, गली गली में रोड नाला का भी अथी उठाए हैं और उसके बाद में ही मुख्य समस्याएं जो है आपके वार्ड का क्या क्या है? साफ सफाई तो हो ही रहा है, उसके लिए तो कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन वही रोड उड नहीं बना है, उसके लिए बहुत रोड बाकी है, बहुत बन गया है, वही बजट में हम लोग बोले हैं रोड नाला का निर्माण करने के लिए। तो क्या भरोसा मिला है कि? हाँ, मिला है, ऐसे होगा। 2018-19 के बजट में हम लोग का पूरा रोड नाला बनने का उम्मीद है।